सो ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। और गाइस, मैं आ गया हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और न्यू एटीट्यूड स्टेटस वीडियो का ट्यूटोरियल लेके। तो गाइस, अभी आप लोग जो स्क्रीन पे स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ इसी तरीके की स्टेटस वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। और गाइस, अगर आप लोग अपना फ़ोटो लगा के या किसी फ्रेंड का फ़ोटो लगा के इस तरीके की स्टेटस वीडियो बनाओगे ना, तो आपकी वीडियो बहुत ही कमाल लगेगी। और इसके बाद आप लोग इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियोस पे बहुत ही अच्छे लाइक्स और व्यूज आएंगे। तो गाइस, अगर आप लोग भी इस तरीके की स्टेटस वीडियो का ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग जो है सिर्फ 2 मिनट में इस तरीके की स्टेटस वीडियो बना लेंगे। तो जानने के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, इस तरीके की स्टेटस वीडियो बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी काइनमास्टर की। तो काइनमास्टर एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आप लोग काइनमास्टर को ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट आप लोग को प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा और 9:60 का रेशियो को सिलेक्ट कर लेना होगा। रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को वो फोटोज़ को सिलेक्ट करना होगा जिस फोटोज़ को आप लोग स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एक फोटेज पिंटरेस्ट से जो है डाउनलोड किया है, तो उस फोटेज को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और फोटेज को लेने के बाद इसकी लेंथ यहाँ पे मैं बढ़ा लूँगा जितनी ड्यूरेशन में स्टेटस वीडियो बनाना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप लोग इसकी विग्नेटी इनेबल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ऑलरेडी इसकी विग्नेटी इनेबल है। तो इसके बाद आगे आ जाइए, लेयर पर क्लिक कीजिए, मीडिया पर क्लिक कीजिए। और इसके बाद मैं आप लोगों को ये जो एक पजल ग्रीन स्किन वीडियो की जो लिंक है, मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और इसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसको फुल कर दीजिए इस तरीके से। इसके बाद इस वाली लेयर पे क्लिक कीजिए और क्रोमा की को जो है क्लिक कीजिए और इसका क्रोमा की इनेबल कर दीजिए और की कलर में ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये देख सकते हैं इस तरीके से हो जाएगा। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इनको आप लोग इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, जो कि ग्रीन ग्रीन आप लोगों को नज़र आ रहा है वो यहाँ से हट जाए। अब यहाँ पे मेरा जो है रेडी हो चुका है वीडियो, यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ। इसके बाद गाइस, यहाँ पे मैं ये फोटेज और बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे। और फोटेज को बढ़ाने के बाद आगे आ जाऊँगा, लेयर पे क्लिक करूँगा, मीडिया पे क्लिक करूँगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक टेम्पलेट और है जिसकी लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और इसके बाद आप लोग इस टेम्पलेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास जो टेम्पलेट ये रही, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं रोटेट करूँगा और यहाँ पे इसको मैं फुल जूम करूँगा। और जूम करने के बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, ब्लेंडिंग पे चले जाइए और स्किन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसका साउंड जो है ऑफ़ कर दीजिए इस तरीके से। वीडियो को मैं यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ। इसके बाद आप लोग इधर साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग इसको जो है कट कर दीजिए पीसे से। और कट करने के बाद यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद इस वीडियो को आप लोगों को अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट करना होगा। गैलरी में एक्सपोर्ट करने के लिए एरो वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और इसको आप लोग जितनी हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उतनी हाई क्वालिटी को सिलेक्ट कीजिए। और इसके बाद आप लोग इस वीडियो को गैलरी में एक्सपोर्ट कर लीजिए। और इसके बाद आप लोग इस वीडियो को जहाँ पे भी अपलोड करना चाहते हैं वहाँ जाके इस वीडियो को अपलोड कर दीजिए।